बहुत मीठा है। देखिए तो आप लोग, नागराज को देख के तो नहीं लगता है, लेकिन नागराज खाता ही नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम लोग जा रहे केरला। केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे जा रहे हम लोग। हम बोले तो मैं और नागराज, बस ये दोनों ही जा रहे हैं। कल हम लोगों का फुल डे बम्बू राफ्टिंग है, जिसका स्लॉट है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो जंगल में घूमेंगे, बोट पे चढ़ेंगे, सब अच्छे अच्छे वीडियो लेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट किए, बस 15-20 मिनट हुआ है। व्हाइटफील्ड से जा रहे, यहाँ से सेलम होते हुए फिर पहुँचेंगे थेकडी, उसके पास ही है पेरियार टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जब भी मैं रुकूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगा। दोस्तों, सेलम से आप लोग जब राइट टर्न लेंगे, जैसे कि हम लोग ब्रिज से उतर के आए, जो रास्ता कोयम्बटूर के ओर जा रहा है, उसी रास्ते पे आपको आना है। सेलम के बाद ही, वो ब्रिज के बाद ही, तो मदुराई रोड आपको पकड़ना है। चाय वाय कुछ पिएंगे ना? तुम तो कुछ खाते भी नहीं हो। जब मैं निकलता हूँ बाहर ऐसे रोड पे, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, चाहे चाय हो या कॉफ़ी हो या इडली हो, डोसा हो। लेकिन इसको जो है ना, भूख ही नहीं लगता है। इसको देख के लगता है कि ऐसे कम खाता है इतना। नागराज को देख के तो नहीं लगता है, लेकिन नागराज खाता ही नहीं है। हम लोग जब यारकाट गए थे, सुबह से लेकर शाम तक हो गया, ये भी कुछ खाया नहीं। नहीं नहीं, हम बाद में खाएंगे। चलिए आगे देखते, चाय कॉफी के लिए रुकना पड़ेगा। हम लोग मदुराई रोड पे आ गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
ये रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पिया और साथ में बड़ा था दो टाइप का कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और मैं तो कॉफ़ी का बहुत शौकीन हूँ। साउथ में आप कहीं पे भी जाओ कॉफ़ी आपको एकदम ज़बरदस्त मिलेगा। तो कॉफ़ी पी के हम लोग फिर चल पड़े। खाना खाने आ गया, ये प्योर वेज है तो हम लोग दोनों ही नूडल्स लिया है, वेज नूडल्स। अभी ऑर्डर दे दिया है, आ रहा है। अब देखिए किसमें सर्व करेगा ये लोग, इसमें ही देता है। देखते हैं नूडल्स कैसा है, आने के बाद मैं उसका फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं ये है बनाना का पकोड़ा और रसम दिया है, रसम है ये। ये मुझे बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। वाह अच्छा, नूडल्स में ऑनियन देख के घबराइए मत, यहाँ पे ऐसा ही चलता है। हम लोग ऑनियन नहीं खाते, या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए तो ऑनियन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मिलता है। दोस्तों ये होटल का नाम मैंने अभी अभी देखा, ये है होटल मरीना प्योर वेज। ये देखिए पीछे मेरा होटल का नाम लिखा है और इसका सराउंडिंग का व्यू देखिए, सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है। नगराज रेडी, दोस्तों बैंगलोर से थेकडी का डिस्टेंस पड़ता है करीब करीब 500 किलोमीटर, जो हमने 9.5 घंटा में पूरी की। हम लोग जब थेकडी में पहुंचे तब 3:30 बज चुका था। हम लोग सीधा चले गए पेरियर नेशनल पार्क के गेट पे। होटल में नहीं गए दोस्तों, सीधा गए पेरियर नेशनल पार्क का गेट पे। हम लोग ये जीप करके फॉरेस्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ जानने के लिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। और जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जुड़े रहिए सेट टू गो के साथ।